किचन शेफ्स माय सेल्फ सेफा रहमान एंड वेलकम टू माय चैनल कुकिंग इज माय पैशन आज लेकर आई हूँ मैं आप लोगों के लिए अनदर विंटर स्पेशल बहुत मज़ेदार सा गजरेला रेसिपी लेकर आई हूँ मैं आपके आपके लिए और मैं इससे पहले गजरेला खीर की रेसिपी भी अपने चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ जिन लोगों ने वो रेसिपी नहीं देखी है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी ज़रूर देखिए वो भी बहुत मज़े की बहुत लाजवाब बनी थी और बहुत पसंद की थी आप लोगों ने वो रेसिपी भी इन शाला ये रेसिपी भी आप लोगों को पसंद आएगी इस रेसिपी की खास बात यह है कि ये फॉर शुगर फ़्री या जो लोग डायबिटिक हैं वो ये रेसिपी इन्जॉय कर सकते हैं क्योंकि मैं बना रही हूँ शुगर फ्री गजरेला दूध ले लिया है मैंने आधा किलो और मैं इसे उबाल लूँगी यहाँ पर आ गया था दूध में उबाल हमने इसमें फ़ौर से चम्मच चला लिया था कि ताकि दूध उबल के गिर ना जाए और इसकी आँच कर दी थी स्लो अब मैं इसे स्टेज पर डालूंगी कद्दूकश की हुई आधा किलो गाजर आप चाहें तो इस स्टेज पर शुगर ऐड कर सकते हैं जो लोग मीठा बनाना चाहते हैं इसको शुगर फ्री नहीं रखना चाहते तो वो गाजर ऐड करने से पहले इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली शुगर डाल सकते हैं मैंने यहाँ पर गाजर ज़रा ज़्यादा यूज़ की हैं क्योंकि गाजरों में अल्लाह ताला ने नेचुरल स्वीटनेस रखी है तो इसके लिए मैंने क्योंकि मैं शुगर फ्री बनाई थी तो मैंने इसमें ज़्यादा गाजरें शामिल कर दी हैं ताकि उसमें नेचुरल स्वीटनेस जो है गाजरों की दूध में सोख हो जाए अच्छे से और हमें एडिशनल कोई भी मीठा इसमें शामिल ना करना पड़े तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे दूध में शामिल कर लेने के बाद और इसे फॉर अबाउट थर्टी मिनट्स कंटिन्यूसली स्पून चलाते हुए हम इसे मिक्स करते रहेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं और मैं सिर्फ फॉर थर्टी मिनट्स हर थोड़ी थोड़ी देर बाद बीच बीच में चम्मच चलाते हुए इसे कुक करती रहूँगी अनटिल के दूध हमारा थोड़ा सा रिड्यूस ना हो जाए गाजरें हमारी जो है वो गल ना जाएँ हमें उस वक्त तक इसे बीच बीच में मुसलसल चम्मच चलाते हुए कुक करते रहना है तो यहाँ थर्टी मिनट्स गुजर चुके थे देख सकते हैं आप दूध का कलर कितना खूबसूरत हो चुका है बहुत ही प्यारा सा ऑरेंजिश पिंकिश कलर दूध पर आ गया था बहुत प्यारा लग रहा था ये कलर और इस वक्त पूरे किचन में बड़ी ज़बरदस्ती गजरेले की खुशबू फैली हुई थी ज़रूर बनाइए गए रेसिपी मस्ट ट्राई है बहुत मज़े का बनता है ये गजरेला तो ये अम्मी बनाती थी जब हम छोटे थे वैसे अम्मी तो चीनी डाल के बनाती थी लेकिन मैं इस वक्त शुगर फ्री बना रही हूँ तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस स्टेज पर आप डाल सकते हैं इसमें कोई सा भी ड्राई फ्रूट तो मैंने यहाँ पर किशमिश डाली थी ब्लैक वाली और बादाम और काजू डाला था रफली चॉप करके और थोड़ा सा मैंने रख लिया है फॉर गार्निश अगर आप चाहें तो उसमें नट्स ना भी डालें ये बिना नट्स ऐड किए भी बहुत मज़े का लगता है ट्रस्ट मी ये बहुत मज़े का होता है स्पेशली आप इसे बना के रख लीजिए फॉर योर uh, ब्रेकफास्ट आप इसे बनाइए फ्रिज में रख लीजिए और सुबह सुबह ठंडा ठंडा ये इन्जॉय कीजिए बड़े मज़े का लगता है आपका पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरेगा ये बेहतरीन सा ब्रेकफास्ट करने के बाद तो यहाँ पर हमें फ़ॉर अबाउट थर्टी फाइव मिनट्स हो चुके हैं नर्स डाल के भी मैंने इसे फॉर अबाउट फाइव मिनट्स को किया था और अब मैं इसे सर्व कर लूँगी तो ये डन है सर्व कर लिया है बाकी के नर्स के साथ मैं इसे गार्निश कर देती हूँ आई होप कि ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए कमेंट करके मुझे बताइए शेयर कीजिए अपने प्यारों के साथ अगर नए हैं मेरे चैनल पर तो इसे सब्सक्राइब कीजिए इस खूबसूरत से विंटर सीजन को इस मज़ेदार मज़ेदार सी रेसिपीज़ के साथ अपनी फैमिली के साथ इंजॉय कीजिए अपना ख्याल रखिए अल्लाह हाफ़ फ़ीमान अल्लाह